अपने मन को साफ करें। निर्देशिक ध्यान एक आरामदायक स्थिति में बैठकर शुरू करें। रीढ़ की हड्डी लंबी और सीधी कंधे अपने दिल को खोलने के लिए थोड़े से पीछे की ओर झुके और अपनी हथेलियाँ को नीचे की ओर देखते हुए अपनी गोद में आराम दें और धीरे से अपनी आंखें बंद करें। अपनी सांसों में जागरूकता दर्ज करें। ध्यान दें कि जब आप अपनी सांसें आपके शरीर में प्रवेश करती है और बाहर निकलती है तो कैसा महसूस होता है। अपनी सांसों के बारे में उत्सुक हो जाए यह ध्यान दें कि आप अपनी सांसें लेते समय कौन सी मांसपेशियों संलग्न करते हैं। पर्दे के पीछे उन सभी चीज़ों के बारे में सोचिए जो अपने बिना घटित होती है, यहाँ तक कि आपको इसके बारे में सोचना जरूरी है। आपकी सांस हमेशा आपकी ओर से काम करते हुए आपकी सेवा कर रही है। आप इसलिए क्यों कर रहे हैं? इसे धीरे धीरे से देख रहा हूँ कि आप अपनी अगली सांस अंदर और बाहर बहना है और आपकी सांस छोड़ने के साथ अधिक जानबूझकर हो जाती है। जब आप सांस लेते हैं तो अपना पेट फैलता है और जब आप अपनी सांस छोड़ते हैं तो आपका पेट सिकुड़ता है और आपकी सांस आपको छोड़ने की लंबाई की बराबर होती है, ऐसी गति से जो आपके लिए आरामदायक होता है। शायद सांस को थोड़ा धीमा भी कर सकते हैं और अपनी सारी जागरूकताओं को यह अपनी सांसों पर टिका देती है। इस ध्यान के दौरान यदि आपको लगता है कि आपका मन भटक रहा है तो बिल्कुल ठीक है, अपने दिमाग को साफ करने का यह सबसे अच्छा तरीका है। अपनी सांसों को ध्यान पर केंद्रित करते हैं और अपना विचारों को उन जड़ों को बिना आने वाली और जाने वाली यदि कोई विचार उभरता है तो बस उसे उठने दें और अपनी सारी जागरूकताओं को अपनी सांसों के ऊपर महसूस करते हुए उस प्रवाहित होने की तरह के लौटा दें। यह सुनिश्चित करता हुआ कि आपकी सांसें आपको छोड़ने की लंबाई के बराबर लंबाई को महसूस करते, ऐसा करें जरूर नहीं कि उनकी गिनती करके। यद्यपि आप ऐसा कुछ कर सकते तो आप अपनी सारी जागरूकता को लगातार अपनी सांसों पर लौटाने की चाहते हैं तो कोई विचार दो। जो मन में आ रहा है आ सकता है वो ठीक है, यदि विचार आता है और चले जाता है तो इसमें कुछ भी गलत नहीं है। आप बस यह विकल्प चुने कि आप उनका पीछा न करें और भटक न जाए, उन पर आप उन्हें बस बहने की अनुमति दें, क्योंकि आप अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करते हैं। जितनी देर आप शांत में बैठकर और लगातार अपनी सांसों को प्रभावित अपना जागरूकता लौटाते, आपका दिमाग उतना ही साफ और स्पष्ट होता है, आप बन जाते हैं। आपको और कुछ करने की जरूरी नहीं है कि सिवाय इसकी आप अपनी जागरूकता को लगातार अपनी सांसों पर लौटा दें। आप अपने शरीर में भारी या हल्का महसूस करना शुरू कर सकते हैं। बस आप जो भी अनुभव करते हैं उसे अनुमति दें और लगातार अपनी जागरूकता के ऊपर सांसों पर लौटाएं।
जितना अधिक अपने दिमाग को साफ करना उतना ही अधिक असंभव हो जाता है और आप अपने आप में सोचने लगते हैं कि वाह मेरा दिमाग साफ है, क्योंकि यह भी एक विचार है। बस इसे जाने दें और अपने ध्यान पर अपने सांसों पर लौटाए दें। यदि अगले काम के पीछे आपका एकमात्र काम है, कई मिनट और कई समय के साथ आप महसूस करने लगते हैं कि आपका दिमाग साफ हो गया है, कि जब आप तक चाहे तब तक इस प्रक्रिया में जारी रख सकते हैं। और जब आप बाहर आने के लिए तैयार हैं, तो अपने कंधों को मोड़ते हुए शुरू करिए और अपनी उंगलियां और पैरों की उंगलियों को हिलाए। आपके द्वारा उत्पन्न की गई शांति के लिए जोर से आप अपना मन को धन्यवाद करें। और जैसे कि आपको हर समय देने के लिए सही लगता है, आपको धीरे धीरे अपनी आंखें खोलने की चाहिए और सुनिश्चित करना चाहिए कि आप अपनी आप को थोड़े देर शांत रहने दें। अब हम हमारे आज की एफर्मेशन करेंगे। तो एफर्मेशन करते हैं, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट, आई एम द बेस्ट। गॉड इज ऑलवेज विद मी, गॉड इज ऑलवेज विद मी, गॉड इज ऑलवेज विद मी। टुडे इज माय डे, टुडे इज माय डे, today is my day. My focus and my concentration is increasing day by day. My focus and my concentration is increasing day by day. My focus and my concentration is increasing day by day. My mind is healthy and peaceful. My mind is healthy and peaceful. My mind is healthy and peaceful. My body is healthy. My body is healthy. My body is healthy. I can easily study for 8 hours. I can easily study for 8 hours. I can easily study for 8 hours. अब हम हमारे आज के संकल्प लेंगे। आज हम संकल्प लेते हैं कि आज हम 8 घंटा पढ़ाई करेंगे, हेल्दी डाइट लेंगे, 1 घंटा वर्कआउट करेंगे, अपने गुस्से पे कंट्रोल रखेंगे। आज हमें 1 घंटा कोई भी अच्छी पुस्तक पढ़नी है। आज हम गाय कुत्ते पंछी को खाना खिलाएंगे। आज हम अपने दिन की योजना बनाएंगे। आज हमें 6 से 8 ग्लास पानी पीना है और नेगेटिव एनर्जी से दूर रहेंगे। और डेली रात को 9 बजे अपनी दिनचर्या का इवैल्यूएशन करेंगे और हमेशा अपने आज को अपने बीते हुए कल के साथ ही कंपेयर करेंगे। जो हमारा पास्ट है वो केवल हमारे बीते हुए कल में ही है और सिर्फ एक दिन का ही पास्ट है। तो मुझे अपना आज अपने कल से कंपेयर करना है, ना कि उसके पहले से। मैं आज क्या हूँ और मैं कल क्या था, कल मैंने कितना टाइम वेस्ट किया और आज मैं क्या करता हूँ, यही कंपैरिजन होना चाहिए दीदी। और अब हम आज भगवान से प्रार्थना करेंगे। हे परमपिता परमेश्वर, आज आपने सुबह आज मुझे उठने की शक्ति दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मेरे हमारे जीवन में इतनी अबंडेंस दी, इतना प्यार दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। खाने को रोटी, पीने को पानी, पहनने को कपड़े और रहने को घर दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। इतना प्यार करने वाले माँ बाप और दोस्त दिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।
हे परमपिता परमात्मा, आपने हमें पढ़ने व लिखने की शक्ति दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे शरीर के स्वास्थ्य को, हमारे मानसिक स्वास्थ्य को दिन पर दिन इम्प्रूव किया, उसके लिए बहुत शुक्रिया। हमारे को किसी चीज़ की कमी महसूस नहीं होने दी, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हे परमपिता परमात्मा, हम आपसे दुआ करते हैं कि आज का दिन हमारा सभी प्रकार के संकटों से दूर और खुशी से भरपूर हो, और आज हम अपने प्रेजेंट में फोकस होके अपने दिन को अच्छे से अच्छे तरीके से व्यतीत कर सकें, और हम आज 8 घंटे पढ़ाई कर सकें, ऐसे हमें शक्ति प्रदान करें। हमें कंसिस्टेंसी का वरदान दें, हमें कंसिस्टेंसी का वरदान दें, हमें कंसिस्टेंसी का वरदान दें। हमारी विल पावर को मजबूत करें, हमारी विल पावर को मजबूत करें, हमारी विल पावर को मजबूत करें। ये परमपिता परमात्मा हमारी विल पावर को मजबूत करें। आपका अंत में परमपिता परमात्मा आपका बहुत बहुत शुक्रिया, इतना अच्छा जीवन और इतना अच्छा, इतनी अच्छी सद्बुद्धि देने के लिए। परमपिता परमात्मा आज 8 घंटे पढ़ाई करने की शक्ति दे। अब अंत में आप सभी को एक बात बोल के मैं वैसी बात करूँगा। आज हम सभी डे 60 पे आ चुके हैं, और आज का हमारा 11वां संकल्प ये रहेगा कि आज हमें किसी भी एक व्यक्ति के साथ में इस इंफॉर्मेशन को शेयर करना है कि अगर वो चाहे वो भी डेली 5 AM पे मेडिटेशन कर सकता है। और दूसरा, आज से आप सभी का इस महीने का जो डायलॉग रहेगा ना खुद के लिए, वो ये रहेगा, जब भी आपको नेगेटिव फील हो या बुरा लगे या कुछ भी परेशानी हो, तो खुद को एक बात बोलनी है, शक्ति हमारे अंदर ही है। बार बार खुद को ये बात बोलनी है, शक्ति हमारे अंदर ही है, शक्ति हमारे अंदर ही है, शक्ति हमारे अंदर ही है। चलिए अब सभी अब इसी का अंत करते हैं।